बंदों को यह भी शर्म नहीं आती कि दो शहजादों की जंग थी, तो फिर अबू सुफियान की नाते पाड़ के दिखाओ। रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, कोई मौलवी जुरत करे यजीद के दादे की नात पढ़े। नाते हुसैन के नाने की जीत यजीद गया था। रबीउल अव्वल ही तो बताता है कि कौन जीता कौन हारा। रबीउल अव्वल की रोशनियां आई है इसलिए कि इम्तिहानों के बाद जब नतीजा आता है तो लाइटें लगती हैं। लाइटें लगा के पता चलता है कि कौन जीता। दो महीने हुसैन ने मेहनत की है, तीसरे महीने नतीजा लो। नाते यजीद के दादे की नहीं, हुसैन के नाने की है। ये फतह विलायत है, नबी के दुश्मन हो गए अली की विलायत की वजह से, पैगंबर से दुश्मनी हो गई विलायत अली की वजह से। हमें किताब काफी है, किताब काफी है तो इसमें से सुबह की नमाज की रकातें दिखाओ। सुबह की नमाज की कितनी रकातें? दो ना, फर्ज दो हैं। कुरान से दिखाओ, जोहर की चार कुरान से दिखाओ, स्पीकर पे कह रहा हूं, आशर की चार कुरान से दिखाओ, मगरब की तीन पढ़नी है किताब से दिखाओ, ईशा की चार पढ़नी है कुरान से दिखाओ। और मैं जिद कर जाऊं, मैं तो जनाब पक्का कुरान का मानने वाला हूं। मौलवी इस्माइल से एक मौली कहते था, पिटना वखा कुरान जो पिटना। सरकार फरमाया मातम वखा, नहीं पिटना मातम नहीं, मैं पिटना वेखना कुरान चो, ए लफ्ज वखा। मौलवी इस्माइल साहब का दुर चवल, अरबी पे होंदा ही नहीं, तेन पिटना कितों वखा। पाकिस्तान नूं पाकिस्तान अल पाकिस्तान उठे ही कोई ना। अली की इज्जत की कसम, अकल मौजूद हो तो अली समझ में आता। मिल के सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से, मोहम्मद वाल बिस्मिल्लाह। किशमिश में कितनी जकात है कुरान से दिखाओ। कितनी भेड़े हो जाए तो जकात वाजिब हो जाती है कुरान से दिखाओ। हज में काबे के कितना चक्कर काटे तो एक तवाफ होगा कुरान से दिखाओ। सवाल है मेरे, वकूफ अरफात कब से कब तक है, कौन सी तारीख को है, कुरान से दिखाओ। कितने शैतानों को कौन से दिन कितने पत्थर मारने, कुरान से दिखाओ। अकल के दुश्मनों, अल्लाह ने कुरान नाज़िल इस रंग में किया कि अहले बैत के बगैर काफी ना हो। नसारा नजरान को पैगंबर आजम कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते रहे खुदा की तौहीद के बारे में, ईसा के आप धोने के बारे में। तीन दिन या सात दिन गुजरे या जितने भी दिन गुजरे, आयत आगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फमन हाज कफी मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। अगर ये अल इल्म के आने के बावजूद नहीं मानते तो इनसे कह दे तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते। वनिशाना वनिशाकुम, तुम अपनी निशा लाओ, हम अपनी निशा लाते। वानफुसना वानफुसकुम, तुम अपने जैसे लाओ। हम अपने जैसे लाते। जस्टिस करम शाह अल अजहरी ने अपनी तफसीर कुरान में
1400 साल के मुफस्सरीन से इख्तलाफ करके अनफोसना का तर्जमा फरमाया है दामाद। तुम अपने दामाद लाओ, ये भी हमारे बारे में है। जहरा के अलावा कोई और बेटी होती तो दामाद भी होता, क्योंकि अली के सिवा गया कोई नहीं। नफ्स कहते हुए मौत आती है, क्योंकि नफ्स के इख्तियारात बहुत ज्यादा है। पहले क्या पढ़ के सुनाते रहे? कुरान। खुदा ने कहा इन्हें लेके जाओ। ईसाइयों को अली की इमामत पर एतराज न था, ईसाइयों को इस्मत जहरा पर एतराज न था, ईसाइयों को हसनैन की सरदारी जन्नत पर एतराज न था। ईसाइयों को एतराज था इस्लाम पर, कुरान पर और हजूर की नबूवत पर। फरमाना चाहिए था तुम इंजील लाओ, मैं कुरान लाता हूं। तुम ईसाइयत लाओ, मैं इस्लाम लाता हूं। पैगंबर ने फैसला कर दिया, एतराज कुरान पे हो तुम अली अली करना, हमला इस्लाम पर हो तुम अली अली करना। और नफूस आलिया को पैगंबर लेकर गए। पहले क्या पढ़ते रहे? कुरान। अब किसे लेकर गए? अहले बैत को। तो जो कुरान खुद मोहम्मद को पंजे तन के बगैर काफी ना हो, वो उम्मत को अहले बैत के बगैर काफी कैसे?